लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अमेजॉन रिव्यू ग्रो करने के लिए एक लाइफ टाइम फ्री टूल बताऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही टूल बताने वाला हूं जो आपके रिव्यूज के चांसेस 300% तक बढ़ा सकता है, और वो भी फ्री में। और हाँ, ये टूल अमेजॉन खुद रिकमेंड करता है, और ये लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री है। आई रिपीट, लाइफ टाइम के लिए फ्री है। एंड आगे भी अगर आप ऐसे अमेजिंग टूल मिस नहीं करना चाहते तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। इस अमेजिंग टूल का नाम है हाई फाइव फीडबैक एंड रिव्यू ऑटोमेशन टूल। एंड इसके लिए आपको सबसे पहले लोनसम लैब्स की वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस टूल की स्टेप बाय स्टेप वर्किंग दिखाने से पहले टूल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो आप जैसी वेबसाइट पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, गेट अमेजॉन रिव्यूज एंड सेलर फीडबैक ऑटोमेटिकली। ये 100% कंप्लायंट है, इसका कन्वर्जन रेट सुपीरियर है, और ये फ्री ऐप है, राइट। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसको मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे यूज करना है। आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे नंबर वन रेटेड ऐप इन अमेजॉन पार्टनर ऐप स्टोर, क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने अपनी वेबसाइट पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया है, जब आप अमेजॉन सेलिंग पार्टनर ऐप स्टोर पे जाते हैं और आप फीडबैक एंड रिव्यूज के सेक्शन में जाएंगे तो आप सच में पाएंगे कि हाई फाइव फीडबैक एंड रिव्यू ऑटोमेशन ऐप जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ऑलरेडी 5-star ऐप है ये, और इसमें 106 रेटिंग्स एंड रिव्यूज जो सेलर्स हैं उन्होंने दिया हुआ है इसको यूज करने के लिए। कमिंग बैक टू द वेबसाइट, आप नीचे आएंगे तो इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हुई है, जैसे इन्होंने अभी बोला था कि फुल्ली कंप्लायंट है, सभी गाइडलाइंस अमेजॉन पे फॉलो करते हैं। तो साइड में एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। तो इस तरीके का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, और ये वो स्क्रीनशॉट है, ये वो मेल है जो अमेज़न कस्टमर्स को जाता है जब आप इस टूल को यूज करते हैं। तो यहां पे क्लियरली आपको अमेज़न का लोगो दिखेगा, योर ओपिनियन मैटर्स, ये कस्टमर के लिए लिखा हुआ है। सेलर थ्री बुल्स, यहां पे एक सेलर है एज एन एग्जांपल जो रिक्वेस्ट कर रहा है कस्टमर से अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जो उन्होंने रिसेंट ऑर्डर किया है अमेज़न से। यहां पे आप टॉय का जो 5-star रिव्यू है वो आप ले सकते हैं, और नीचे एक्सपीरियंस जो सेलर का एक्सपीरियंस रहा, जो सेलर ने आपको एक्सपीरियंस दिया है आपकी बाइंग जर्नी में, जो बाइंग एक्सपीरियंस है उसके लिए आप सेलर को नीचे रेट कर सकते हैं। इसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो कुछ कुछ चीजें और बताई गई हैं इस टूल के बारे में, जिसको मैं सीधे डैशबोर्ड में आपको समझाऊंगा। व्हाई आई एम गोइंग डाउन, उसका एक रीजन है जो मैंने शुरू में बोला था, ये टूल फ्री है और लाइफ टाइम फ्री है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इज हाई फाइव रियली अ फ्री प्रोडक्ट, तो आप इसका जब आंसर देखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है यस द हाई फाइव इज फ्री एंड इट विल ऑल्सो स्टे फ्री। ठीक है, तो दिस इज एन अमेजिंग टूल एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको जरूर ट्राई करें। कैसे ट्राई करना है उसको मैं अब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड हेयर पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का वेब पेज ओपन हो जाएगा। लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि हाई फाइव जो टीम है उनके और भी जो टूल्स हैं पल्स एंड कम्युनिटी वो उन्होंने यहाँ पे बताए हुए हैं, और राइट में आपको ऑप्शन आता है अपना अमेजॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट कनेक्ट करने का। तो जैसे ही आप ऑथराइज नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉग इन जो स्क्रीन होता है सेलर सेंट्रल बोर्ड का वो यूज हो जाएगा, एंड उसके बाद आप उसमें लॉग इन लेके इस टूल को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये टूल जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं जो ऑर्डर्स आपके हुए हैं उन सबको अपने डैशबोर्ड में पुल कर लेगा। ओके, तो अब दिखाते हैं कि जब ये डैशबोर्ड आपका डेटा पुल कर लेगा उसके बाद आपको कैसा लुक एंड फील आएगा, कैसे आपके प्रोडक्ट्स दिखेंगे, कैसे ये टूल आपको यूज करना है। तो जब आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा हाई फाइव से, तो हाई फाइव आपका सारा डेटा यहाँ पे पुल कर लेगा, जैसे आपका प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, एसिन आ जाएगा, और उसके बाद वेन टू सेंड है ये कि मेल आप कितने दिनों बाद भेज सकते हैं, इसको मैं भी डिटेल में समझाऊंगा। तो सारे प्रोडक्ट जितने भी आपके हैं वो यहाँ पे हाई फाइव अपने डैशबोर्ड में पुल कर लेगा। तो आप देख सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे पुल हो चुके हैं, सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। आप नीचे आके देखेंगे तो अराउंड मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे इसने कैप्चर कर लिए हैं। अब इसको यूज कैसे करना है इस टूल को, तो हम हमेशा जानते हैं कि जब कोई कस्टमर हमसे परचेज करता है तो हमें उसका रिव्यू हमें चाहिए ही चाहिए होता है, बिकॉज इट्स मैटर है, हमारी सेल्स बहुत डिपेंडेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पहला प्रोडक्ट है लिड फॉर टम्बलर रिप्लेसमेंट, तो अगर मैं इसको रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट रेज करना चाहता हूँ कस्टमर को, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं कितने दिनों बाद उस रिव्यू को कैप्चर करना चाहता हूँ, कब मैं रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ कस्टमर को। तो मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि हम 5 दिन बाद वो ईमेल भेजना चाहते हैं, 7 दिन बाद ईमेल भेजना चाहते हैं, 14 दिन बाद भेजना चाहते हैं, 21 दिन बाद या 30 दिन। ठीक है, आप चाहो तो आप कोई पर्टिकुलर नंबर ले सकते हो, लेट्स सपोज मैं 10 दिन बाद भेजना चाहता हूं तो वो भी आप कर सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स, लेकिन मैं हमेशा एक चीज सजेस्ट करूंगा कि वो एक साइंस है कि लेट्स सपोज अगर आप
चॉकलेट्स बेच रहे हो, तो चॉकलेट्स बेचने का मतलब है कि 5 days आर गुड एनफ, क्योंकि जब तक कस्टमर ने वो चॉकलेट इंजॉय कर ली होगी, खा ली होगी। लेकिन वहीं पे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेट सपोज लैपटॉप बेच रहे हो, ऑब्वियसली एटलीस्ट गिव इट 15 to 20 days, तो मैं 21 दिन बाद वो रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट डालूंगा, क्योंकि तब तक वो डिवाइस चेक कर चुका होगा और अगर उसको कोई पेन पॉइंट होगा या कोई नेगेटिव सेंटिमेंट होगा तो वो ऑब्वियसली वहां पे हमें रिव्यू कर चुके होंगे। लेकिन अगर 20 दिन तक मेरे अगेंस्ट कोई भी नेगेटिव रिव्यू या नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा कस्टमर है वो सेटिस्फाई है और हम उससे एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं और जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे फेवर में ही आएगा। तो इस तरीके का जो कस्टमर साइकोलॉजी है ये आपको समझनी पड़ेगी और इस तरीके से ही रिव्यू रिक्वेस्ट भेजने होंगे। ऐसा नहीं करना है कि बस हमारा प्रोडक्ट यहाँ से ऑर्डर हुआ और आपने तुरंत उस चीज के लिए रिव्यू रिक्वेस्ट डाल दी। तो लेट सपोज हम इसके लिए 21 डेज कर देते हैं, वी कैन क्लिक ऑन डन। अब देखेंगे यहाँ पे 21 डेज सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप सभी प्रोडक्ट्स के लिए अपने जो स्पेसिफिक डेज हैं वो आप सेट कर सकते हैं। बट लेट सपोज इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को करना चाहते हैं या आपको इन 1000+ प्रोडक्ट में से कोई प्रोडक्ट, लेट सपोज आपको करना है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप जैसे लेट सपोज स्कूबी डू कि हम एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी टाइम चेंज करना चाहता हूं तो आई कैन डू दैट। लेट सपोज मैं इसको 6 दिन करना चाहता हूं, तो आई कैन इजिली डू दैट। तो अभी आपने देखा कि हम 1 by 1 तो प्रोडक्ट्स मैनेज कर सकते हैं कि हमें कितने स्पेसिफिक डेज के बाद रिव्यू रिक्वेस्ट करना है। लेकिन अगर जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ पे 1000 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको एक साथ मुझे मैनेज करना है, तो ऑब्वियसली 1 by 1 100 प्रोडक्ट्स को मैनेज करना आसान नहीं होगा। तो उसके लिए भी इस अमेजिंग टूल ने बहुत अमेजिंग फीचर दिया हुआ है, विच इज ग्रुप अपडेट। तो इस केस में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रुप अपडेट पे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा टर्न ऑफ एंड ऑन। हम जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये सभी एसिन्स को सिलेक्ट कर लेगा एंड आप चाहते हैं कि मैं 5 days या 7 days जितने भी डेज अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहता हूँ वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो लेट सपोज मैंने 5 days सिलेक्ट किया है एंड आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड वो एक आपसे एक बार फिर से कंफर्म करेगा कि आर यू श्योर आप सभी एसिन्स को 5 दिन के बाद रिव्यू रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो यस। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में ये सबके लिए रेडी हो चुका है। तो अब कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर आता है उसके 5 दिन बाद एक जो ईमेल है जो मैंने अभी आपको सैंपल दिखाया था वो कस्टमर को चला जाएगा फॉर रिव्यू रिक्वेस्ट। तो ये तो हो गया इस टूल का वो फीचर जहां से आप कस्टमर्स को अपने ईमेल्स भेज सकते हैं रिव्यू रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन ये टूल आपको स्टैटिस्टिक्स भी देता है, डेटा भी देता है कि कैसा आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कितने रिव्यू रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो उसके लिए आप स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि वीकली, मंथली, 3 months, ईयरली या ऑल टाइम सभी डेटा आपको यहां पे आ रहा है। तो अगर हम ऑल टाइम पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे जितने भी हमने आज तक ईमेल्स किए हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका डेटा आपको यहां पे एक तरफ आपके रिव्यूज और दूसरी तरफ आपके जो डेट वाइज डेटा है वो आ चुका है। राइट में आप देखेंगे कि आपके जो टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं जिन पे रिव्यूज आ रहे हैं वो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। इनको आप टॉप 10 में भी चेंज कर सकते हैं, 11 टू 20 भी देख सकते हैं, 21 टू 30 भी देख सकते हैं। तो अगर मैं टॉप 5 की बात करूं तो आपको यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है, स्क्रॉल करेंगे तो नीचे 5th प्रोडक्ट भी दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आप चेक कर सकते हैं और आप जब इस पे होवर करेंगे तो आप देखेंगे उस पे एसिन के साथ प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा है। तो इन दिस वे यू कैन यूज दिस डैशबोर्ड, बहुत ही सिंपल डैशबोर्ड है, कोई भी दिक्कत नहीं है एंड इजिली आप रिव्यू रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो इस ऑटोमेटेड तरीके से आप फ्री में अपने रिव्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एज यूजुअल मेरा मेन पर्पस आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना है, इसलिए स्मैश दैट लाइक बटन से मैं और अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।